18th दिसंबर 2022। कुछ याद आया? नहीं, अरे हाल ही में ही तो वो दिन बीता, फिर भी याद नहीं आया। चलो मैं आपको याद दिला देता हूं। जी नहीं दोस्तों, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से आपको उसे याद रखना है। वैसे अगर देखा जाए, कोई भी दिन या डेट खास नहीं होता, वो किसी वजह से खास बन जाता है और उसके लिए हम उसे याद रखते हैं। तो 18 दिसंबर 2022 बस ऐसे ही एक नॉर्मल सा दिन था हमारे लिए भी, पर उस दिन हम लोग कुछ अलग किए नॉर्मल दिनों से। उस दिन हमने डिसाइड किया, चलो बहुत दिन हो गया हम लोग बाहर घूमने नहीं गए। नहीं, ये घूमना कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है, बस डे ट्रिप के लिए। तो हम लोगों ने प्लान किया, चलो सुबह जाएंगे जल्दी, बाहर नाश्ता करेंगे और कोई एक जगह रुक के थोड़ा टाइम बिता देंगे। तो इस बार वो कोई एक जगह शूलागिरी में जाकर अटका। शूलागिरी नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे हाँ, वही जो कृष्णगिरी जाते हुए बहुत बार आपने देखा होगा। कृष्णगिरी, अरे वो होसुर वाला रोड। वैसे शूलागिरी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और ऐसा भी हमने नहीं सुना कि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट वगैरह है। तो हमने सोचा चलो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पर कुछ तो है जितना मैं नोटिस किया था। कितना है वो देखने के लिए हम लोग पहुँच गए शूलागिरी। और शूलागिरी में क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। शूलागिरी नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे हाँ, ये वही शूलागिरी है जिस नाम को आप कई बार देख चुके हो जब भी आप होसुर होते हुए कृष्णगिरी की तरफ बढ़ते हो। कुछ याद आया? चलो बढ़िया है अगर याद आ गए तो, और अगर फिर भी याद नहीं आए तो जब आप इस बार शूलागिरी डैम की तरफ जाओगे तब तो पक्का आपको ये नाम दिख ही जाएगा। शूलागिरी डैम मेरे घर से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद ये दूरी आपके लिए कुछ कम या ज्यादा हो, डिपेंडिंग अपन कि आप बैंगलोर के कौन से हिस्से में रहते हो। ये डैम कृष्णगिरी जिले में आता है, और कृष्णगिरी जैसे आपको पता ही है कि ये तमिलनाडु में आता है, पर बैंगलोर के दक्षिणी भाग से बहुत ही नजदीक है। अरे ये क्या बात हुआ भाई, इतना अच्छा रास्ता होते हुए भी ये गूगल माता न जाने क्यों हमें कौन सा बकवास वाले रास्ते, जो कि खेत खलियान लोगों की घर के बिल्कुल सामने से गुजरते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया। धन्य हो गूगल माते, नमन आपको ऐसे रास्ते से लाने के लिए। अब तो कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कितना स्क्रैच लगा है गाड़ी में, वो तो बाद में ही पता चलेगा। चलो जो हुआ सो हुआ, अब इस पल को थोड़ा, अरे थोड़ा नहीं भाई पूरा जीना है। जो पल गुजर गया उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर जो पल अभी है उसे तो हम जरूर यादगार बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पल को एक यादगार पल बनाते हैं। ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, आप या कोई भी आराम से चढ़ सकते हो। अभी तक जितना लग रहा है कि भीड़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शायद बहुत सारा लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते होंगे, पर आप तो अभी जान गए ना, तो आराम से अपना समय निकाल के अपने भाई बंधु या फिर फैमिली के साथ आ सकते हो और अपना थोड़ा वक्त इधर शहर से दूर प्रकृति के बीच में बिता सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भीड़ के बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। इतनी बड़ी जगह में हम तीनों को छोड़ के हार्डली और 5-6 लोग होंगे। चलो अच्छा है, थोड़ा वक्त तो हम यहाँ आराम से बेझिझक बिता सकते हैं। अरे रे रे, ये तो गेट पे ताला लगा हुआ है, तो वहां तक जा नहीं सकते। शायद सेफ्टी की वजह से इसे बंद रखा गया है। डैम के इस तरफ तो हमारा घूमना हो गया, यहाँ पे आने से आपको थोड़ा बहुत वक भी हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हो, इनफैक्ट जहाँ आपका जी करे वहाँ आप बैठ सकते हो। हम थोड़ा डैम के इस रास्ते के बीचों बीच बैठेंगे, थोड़ा गप्पे सप्पे मारेंगे और फिर डैम के दूसरी ओर जाएंगे। इतने अच्छे और शांत जगह में एक दो फोटो तो बनता ही है ना,
स्पेशली जब बैकग्राउंड इतना खूबसूरत हो। अभी हम इस डैम के बीचों बीच बैठे हैं। थोड़ी देर पहले हम वहां गए थे और इसी सीढ़ी से हम थोड़ी देर पहले ऊपर आए। वो नीचे खड़ा है अपना वाहन, वहीं पे है एक मंदिर और अब हम डैम की दूसरी ओर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम डैम के दूसरे किनारे पे खड़े हैं। इस किनारे पे हम लोगों के अलावा बस और 2-3 जने ही हैं। शायद वो भी हमारे जैसे ही होंगे। यहाँ से नजारा और भी खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ से नजारा ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी एग्जैक्टली हम यहाँ इस रेलिंग के सामने खड़े हैं जहां लिखा है SCRP डैम। तो ये डैम का नाम हो गया SCRP डैम। और नीचे से डैम का पानी झरना यानी वाटरफॉल जैसा बह के कहीं दूर जा रहा है। तो अभी आपको पता चल गया ना कि इस डैम के इस कोने से नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है। जैसे कोई मूवी का सीन देख रहे हैं, है ना? आप भी इस मूवी जैसे सीन को अपने आंखों से देख सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। तो देर किस बात की। इस रेलिंग के बगल में ही है एक सीढ़ी नीचे जाने के लिए, और ये नीचे वाला रास्ता आपको इस बहते हुए पानी के और नजदीक लेके जाएगा, जहां से आप इसे छू भी सकते हो। और हम अभी उसी दिशा पे चल पड़े हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, दोनों मिलके ये सफर को तय करते हैं। अभी हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से हमारे दोनों तरफ ही बहता हुआ पानी का नजारा है। आप भी हमारी तरह यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ सकते हो, और अगर आप पानी में उतरना चाहते हो तो सावधानी से उतरे, कहीं फिसल ना जाए। नहीं, हम यहाँ किसी को नहाते हुए नहीं देखा, तो ये कह नहीं सकते कि यहाँ कोई नहाता भी है या नहीं। पर ये जरूर कह सकते हैं कि इस जगह में आप एक बेहद ही खूबसूरत सूर्योदय या फिर सूर्यास्त देख सकते हो, और आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे हमने बहुत सारा फोटो खींचा, थोड़ी देर बैठ के बहते हुए पानी का आवाज भी सुने और उनसे थोड़ी बातें भी की, और फिर वो घड़ी आखिर आ ही गई जब हमें वापस लौटना भी था। चलो कोई बात नहीं, ये जगह तो हमें बेहद ही खूबसूरत लगा। अभी हम इस पक्के रोड से ही वापस जाएंगे, चाहे गूगल माता हमें दूसरा रास्ता ही क्यों ना दिखाए, जरूरत पड़े तो हम किसी को पूछ लेंगे। वैसे अभी गूगल माता हमें यही रास्ता दिखा रही है, पता नहीं क्यों इधर आते हुए गूगल माता को वो खराब वाला रास्ता पसंद आ गया। चलो ये तो होता ही रहेगा, कभी गूगल माता हमें सही रास्ता दिखाएंगे तो कभी गलत। तो बस जब भी आपको लगे कि रास्ता सही नहीं है, लोकल लोगों से पूछ लीजिए, वही आपको सही राह दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी शूलागिरी की कहानी। जगह तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो चलिए अभी फटाफट इसे समराइज कर देते हैं। शूलागिरी जो मेरे घर से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और जैसे आपने वीडियो में देखा जाते हुए गूगल माता हमें कौन से बकवास वाले रोड से लेके गए, बेसिकली वो तो रोड नहीं था, खेत खलियान, इसके घर उसके घर, इसके आंगन उसके होते हम गुजरे।
एक वक्त हमें ऐसा भी लगा था कि भाई चलो गाड़ी रख के पैदल चलते हैं, लेकिन तभी भी देखा भाई 3-4 किलोमीटर बाकी है, कैसे जाए। तो हमने लोकल लोगों से पूछा, भाई हम सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? वो लोग बोला हाँ जा सकते हैं। तो मैंने ये भी पूछा, भाई क्या गाड़ी जाएगी? बोला हाँ कि गाड़ी भी चली जाएगी। तो रास्ता इतना नैरो था और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, तो शायद गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस वगैरह आया है या नहीं, पता नहीं। मतलब मैं देखा तो जब तक देखा तो तब तक तो नहीं था, मैं भी जब गाड़ी धोऊंगा तब पता चलेगा। तो वो एक बात है, पर आपको वो रूट से जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं भुगता हूँ, मैं नहीं चाहता है मेरे कोई भाई बंधु वही चीज़ भुगते। तो सही रास्ते से जाने के लिए मैं उस लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो सोर्स होगा आपका अति बिला टोल प्लाजा से, डेस्टिनेशन आपका शूलागिरी डैम। वो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है मैनुअली कि आपको उसी रास्ते से जाना है। तो अगर आप जाते हो तो प्लीज़ वही रास्ता पकड़े, अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो। इनफैक्ट बाइक के लिए भी वही शॉर्टेस्ट रूट है और सही भी। तो ये था रोड के बारे में। अब बात करते हैं दुकान। आसपास कोई दुकान नहीं है, सामने एक मंदिर है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपना स्नैक्स पानी बोतल ज़रूर लेके जाए। गाड़ी पार्किंग का कोई झमेला नहीं है, पार्किंग फी भी नहीं है, जगह बहुत सारा है, आप आराम से एक सही जगह देके पार्क कर दो और वहाँ पे आप जाओ, थोड़ा समय बिताओ और हंसते हंसते वापस आ जाओ। और ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप जब खुद वो जगह पे जाओगे आपको भी वो जगह अच्छा ही लगेगा। एक सनसेट तो बनता ही है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस जगह के बारे में आपको कुछ जानना है या फिर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके और जितना मुझे पता है मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ किसी और एक दिन और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।